नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के जोगिया ब्लॉग्स में स्वागत है। मैं रोशन कुमार, आज मैं महाशक्ति पीठ सेवा आश्रम मोहरिया सोनभद्र का दोस्तों वीडियो दिखाने वाला हूं, जो कि आप लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छी प्रवचन सुनने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और प्रवचन सुनते हैं। संत से जुड़ जाइयू तो फिर डर ना। पहली बात कि आप लोगों के हृदय में हमारे गाँव गाँव की ओझा ने प्रभु को भड़का करके अपने ही दवादारी की पूजा कर रहे हैं। दारू मुर्गा मांस मछली मदिरा का पूजा ये भूत का पूजा होता है। किसका पूजा होता है? होता है कि नहीं होता है? तो आपके घर में भूत ना रहे तब वो कुछ झूठा का कपार दुखाई कही भूत है निबुआ जायफल काटी दारू दे। दारू तो भूत पीते हैं, दानव पीते हैं, कमानव पीते हैं। ये दानव भोजन है, श्रीमद भागवत पुराण में लिखा है कि ये दानव भोजन है। तो जब आपने दारू का पूजा किया, निबुआ काटा, जायफल काटा, मैंने प्राकृत का हनन किया, तो प्राकृत तो दंड देगी। जो भी करिए धर्म की करिए, धर्म के वास्ते आप हवन करिए, पूजा करिए, पाठ कराइए, गीता श्रीमद भागवत कथा कहाइए घर में, कहो श्रीमद आप नव दुर्गा का पाठ कराइए, आपके घर सुखी हो जाएंगे। श्रीमद भागवत करवाइए, शिव जी के कई वर्णन होते हैं, हवन कराइए, हवन हर पूर्णिमा को घर में कर दे, आपके घर में प्राचीन नहीं आएगा। आपके घर में पूर्णिमा की रात जो होती है गुरुदेव की रात होती है। किसकी रात होती है? किसकी रात होती है? गुरुओं के गुरु, देवों के देव, महादेव की, जो बृहस्पति आकाश में उगते हैं और उनके ही द्वारा, गुरु के द्वारा सृष्टि का काम चलता है। चलता है कि नहीं? जब गुरु बृहस्पति उगेंगे तो साहित्य बनेंगे, घर बनेगा, गाड़ी आएगी, माने हर काम आपका साहित्य से होने लगेगा। अगर बृहस्पति आकाश में नहीं है, गुरुदेव नहीं है, तो ये जान ले कि आप भद्रा में है। क्या है? लिखते हैं ब्राह्मण लोग, बताते हैं ना कि भद्रा है, मत काम करिए। क्यों? कि जब तक बृहस्पति आकाश में नहीं उगते तब बिना गुरु के द्वारा कोई काम सफल नहीं होता। बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। दूसरी बात, पहला गुरु मेरी माँ होती है। हर बच्चों से कहना है कि माँ की आंख से कभी आंसू बहाना ना चाहिए। सास मेरी माँ है, सास मेरी माँ। अगर सास के आंख से आंसू बह गया, तुम्हारा जीवन का खुशी छीन गया। क्योंकि एक माँ छोड़ते हो दूसरी माँ मिलती है तो माँ ही कहलाती है, सास एक माँ कहलाती है, उनके आंख से आंसू नहीं। पिता तुल्य जो ससुर मिलते हैं वो मेरे पिता तुल्य है, वो मेरे पिता तुल्य है। और उनको दुख देकर, पीड़ा देकर आप बंटवारा कर ले, उनकी आत्मा को दुख हो जाएगा, तो आपको जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा। क्योंकि वो सर्वस्व गुरु है, वो सर्वस्व गुरु। गुरु के दिल दुखा करके सोचो कि एक गुरु को पूज कर अपने जीवन को काया पलट दे, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। माता पिता उनके गुरुदेव होते हैं, माता पिता उनके समझ गए। सास और ससुर की सेवा से उद्धार हो जाए, क्योंकि ये कथा श्रवण कुमार से ली गई है। श्रवण कुमार की जो शादी हुई थी और श्रवण कुमार के पिता और माता अंधे थे ना बेटा, अंधे थे। बाकी उनकी धर्मपत्नी रोज खिलाती थी, पिलाती थी, नहवाती थी, बाकी कहती थी कि इनको ले जाकर तो मतई खाना था, ऐसा ना कि ये खाना देबा तो ये जियत रह जाए, जल्दी मर जाए तो इन्हन का सेवा करब छोड़ दी। श्रवण कुमार अपने माता पिता के अंधे को, अपने स्त्री को छोड़ दिए, कहे तुम जाओ नैहर, जब तक मृत्यु लोक में रहेंगे मैं अपने माता पिता और गुरुदेव के साथ जीवन काट लेंगे, बाकी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारे सर्वस्व गुरु है, सर्वस्व गुरु है। अंधे, उन्होंने माता पिता की सेवा श्रवण कुमार ने ले जा करके क्या किए, अपने अंधे माता पिता को सागर नहवाए, क्या नहवाए, गंगा स्नान सागर करवाए, चारों धाम करवाए, प्रेम से बोलो, और वो कान्हे पर ले जाके ठोकर के कराए। तो माता पिता होते क्या है, ये जगत के सबसे बड़े गुरु हैं, और इनसे बढ़ के कोई गुरु नहीं।
वही माता पिता के साक्षी रूप में हम मृतलोक में आए हैं। हम मृतलोक में आए, आप लोगों को धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? धर्म के पाठ पर रास्ते पर चले। अब कुल भी कुछ भी हो जाए, अब बाकी अब भरे पितराज पैदा हो जाए, घर में कलह मच जाए, अपने वटल पर मोड़े मत, पीछे मत हटे, क्योंकि धर्म आपके सामने है खड़ा। कुल भी टुकड़े टुकड़े बिखर जाओ, बाकी धर्म तो धर्म रहेगा। मर जाएंगे, ये मातृभूमि भारत माता का कहना है कि अपने धर्म पर मरो, अपने धर्म पर जियो। ये भारत माता की जननी का भूल है, समझा? यही धर्म का ध्वजा होता है। इस धर्म को जब इस धर्म पर मर जाए तो आपकी ध्वजा जो है दुनिया में कोई नहीं है कि झुका सकेगा, कोई झुका। आप कमजोर भले हैं, बाकी आपके साथ धर्म खड़ा है, और धर्म से पढ़ के कोई शक्ति धरातल पर पैदा नहीं हुई। बात सोचा करिए पहले समझ के। आप लोग कुछ अशिक्षित लोग हैं जो मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे, बाकी शिक्षितों के लिए मेरे साथ। जब आप धर्म रहे तो धर्म आपका माँ और पिता है, धर्म आपका माँ और पिता है, और आपके सामने खड़े रहेंगे, सिर पर हाथ रहेगा। जिस प्रकार दूध में मक्खन नहीं दिखाई देता, इसलिए ज्ञान मनुष्य को वो दिखाई नहीं देगा। बाकी सोच लेना चाहिए कि गैया के पीछे बछेड़ा भागा जाता है, उसी प्रकार धर्म के पीछे भगवान स्वयं खड़े हैं। बाकी दिखाई नहीं देता, जैसे दिखाई नहीं देगा, क्यों? कि उनके गुरु चरणों में गए नहीं है, उनकी इसमें ताला है, इसमें अपने ज्ञान का ताला बंद है। कल ज्ञानी ज्ञान के कोठरिया में, ज्ञानी होते हुए ज्ञानी ज्ञान के कोठरिया में बंद ताला बा, यही में गड़बड़ झाला बा। ज्ञान दृष्टिकोण खोल करके देखो, गुरुदेव के चरणों में जब आएंगे तो ज्ञान दृष्टि को खोल देंगे। ज्ञान दृष्टि को खोल करके देखो, जगत पसारा इसी में है। जगत पसारा, आपको जगत दुबई जाने की जरूरत नहीं है, दुबई तो मेरे हृदय में, जगत पूरा है, पूरा जगत है। गीता में प्रमाण देते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक प्रमाण दिया है कि सारा सृष्टि मेरे ब्रह्मांड में है, और मैं ही उर हूं और पृथ्वी का अंत हूं। इसलिए आप जब ज्ञान दृष्टि को खोल करके देखेंगे गुरु के शरणों में, तो आप सुन आकाश में दिन में तारे दिखाई देंगे, आकाश में दिन में तारे दिखाई देंगे, आपकी राखी वही रहेगी, बाकी ब्रह्म खुल जाएगा। जब ब्रह्म खुल जाएगा तो आप मत सोचिए कि उसको बंद करने वाला कोई है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। आप बैठे बैठे सुनहरे भूमंडल की लीला देखती रह जाएंगे, और वह देख करके आपका प्रफुल्लित मन हमेशा खुशहाल रहेगा। कठिन से कठिन काम आपके लिए आसान है, कठिन से कठिन काम आपके लिए आसान है, कठिन से कठिन काम आपके लिए एकदम सरल हो जाएगा। इसलिए आप अपने परिवार की चिंता, गुरु शरणों में अपने बच्चे की चिंता और घर गृहस्थी की चिंता सब करके कि छोड़ दो, छोड़ दो।